देखिए, मुझे भी मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है वहाँ से अपना त्यागपत्र दे दिया है, और अगर वो हमारी जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई है, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह की वो राजनीतिक सेवा जो है वो करना चाहते थे आम आदमी पार्टी में या कि तृणमूल कांग्रेस में, तो वो वहाँ पर उस तरह से उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, तो इसलिए अगर उन्होंने त्याग पत्र दिया है और हमारी पार्टी में वो आते हैं तो मेरे जो है वो भाई के जैसे हैं, और मुझे लगता है कि हमें पार्टी के अंदर ज़रूर जो है उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। देखिए, ऐसा है कि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बड़ी अनुशासित पार्टी है। यहाँ पर हम एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं, चाहे हम किसी भी पद पर क्यों ना पहुँच जाएँ। तो उसी कड़ी में अगर भारतीय जनता पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जो भी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व लेगा वो 100% हमें मंजूर होगा। अगर शीर्ष नेतृत्व मुझसे ये पूछता है कि सुनीता दुग्गल जो हैं वो क्या सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो मेरा उत्तर जो है वो हाँ में है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने पिछले 5 सालों में यहाँ पर जनता की सेवा की है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर पार्टी मुझसे पूछती है तो मैं फिर से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह से अलग अलग धड़ों के अंदर कांग्रेस पार्टी बंटी हुई है, आप देख सकते हैं कि कहीं जन आक्रोश रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, कहीं पर जन संदेश रैली निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रभारी जो हैं वो उनको लेटर लिखकर धमका रहे हैं, और मुझे लगता है कि इन सब बातों को देखते हुए जिस तरह का इन लोगों का आपस में सत्ता को लेकर एक ज़बरदस्त जो है आपस में सर फुटोवल इनकी चल रही है, वो आपने इनके कभी भी संगठन के कोई कार्यक्रम में उसमें भी आपने देखी होगी। तो जो ऐसा संगठन जो कि 9 साल से अपने जिला अध्यक्ष तक नहीं बना सका, तो उनकी जो है आपस में सत्ता की लड़ाई सब देख रहे हैं। तो इसलिए जनता इन बातों को समझती है कि कौन सेवा भाव से राजनीति में है और कौन जो है वो सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीति में है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह से जनता जो है इनका साथ देने वाली नहीं है। जैसे पिछले राज्यों के अंदर जो इनकी हालात हुई हैं, उसी तरीके से जो है आने वाले 2024 में जो हमारे लोकसभा चुनाव हैं, इनका वही हाल होने वाला है, बल्कि और भी ज़्यादा मुझे लगता है नीचे जाने वाले हैं। और अब की बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं फिर से तीसरी बार जो है वो हमारे प्रधान सेवक बनेंगे, और इसके साथ साथ जो है 400 पार जो है अब की बार हमारी लोकसभा में सीटें आएंगी।